गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आया हुआ हूँ आज मैं उत्तराखंड में और ये वही जगह है जहाँ से सुशांत सिंह राजपूत की यादें जुड़ी हुई है। और सुशांत सिंह राजपूत इसी जगह पे केदारनाथ फिल्म की शूटिंग की है, कई फिल्मों की शूटिंग हुई। मैं बार बार यहाँ आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ये पीछे जो देख रहे हैं, ये हम ज़्यादा दूर अभी नहीं है, ऋषिकेश से थोड़ा आगे आए हुए हैं। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं और ये काफ़ी ऊपर जाना है, हमें वहाँ कुछ काम है। तो ये देखिए कितना अच्छा चारों ओर पहाड़ है और ये बिल्कुल ही पतला रास्ता है जिससे कि हम गुजर रहे हैं। और ये रास्ते काफ़ी डेंजरस है क्योंकि पतले रास्ते हैं और एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है, ये देखिए। लेकिन इसी में हमें जाना है और इसी में हमारा जो काम है उसको करना है और इसी में हम लगातार बढ़ रहे हैं। हम लोग 3-4 लोग हैं और आगे एक गांव में जाना है और वहां पे बिल्कुल है टॉप पे, वो गांव है पहाड़ के सबसे टॉप पे है। और वहां पे एक स्कूल है, उसको देखना है, वहां पे कुछ विजिट है। तो ये पतले रास्ते से गुजरते हुए गांव के बीच बीच में गांव भी आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि पहाड़ का जीवन कैसा है, पहाड़ में लोग कैसे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन कच्ची पगडंडी के रास्तों से, जैसे कि बाइक जाने का रास्ता है लेकिन उस पर हम अपनी कार से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और लगातार चल रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ऊपर की ओर एकदम ऐसा लग रहा है कि हम आसमान में चल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पैरेलल। और ये स्कूल है, यहीं पे हमें आना था, तो अब पहुंचने वाले हैं, सामने है बिल्कुल स्कूल। यहाँ ये स्कूल बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। कैसे जाऊं, यहीं से चलता हूं। ओह, थका दिए। स्कूल ये बन रहा है पहाड़ों के ऊपर, देख सकते हैं पत्थर के स्कूल। इन्हीं रास्तों से चलते हुए हम आए हैं अभी वही पहाड़ी के काफ़ी ऊपर चट्टान पे, चोटी पे, और ये हमारी गाड़ी यहाँ पहुँच गई है। और ये खेत यहाँ के गांव के। लोकसभा चुनाव मेरा वोट मोदी को जा रखा है, मेरा सेकंड वोट था वो, मैंने मोदी को दिया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। 16 तक मेरे को मोदी जी बहुत अच्छे लगते थे, 17-18 में जाके कोई नहीं, वो समझ में नहीं आए होंगे, ये बात कह सकता हूँ मैं। वो मतलब बाकी ये बहुत बहुत अपर लेवल की चीज है ये, मैं इनको आप नेता राजनेता तो भूल जाओ, राष्ट्र के लिए समझ लो। राष्ट्र क्या बोलते है ना, नेता तो ये चाहिए। मोदी 4-5 सालों में कुछ भारत में 2-4 पार्टियां इकट्ठी करेगा सबको, दल होते हैं 2-4 पार्टियां बनने के चांसेस आसार खड़े कर देगा राष्ट्रीय नेता, तो उसके बाद में सही नेता का निर्णय करा कि ये निकलेगा। कुछ नहीं चाहिए मोदी को, पहाड़ों से आया पहाड़ों में जाएगा, कोई स्वार्थ नहीं है ना इसका। आप किसी भी इंसान को चुनने से पहले उसका पूरा इतिहास गोल देख लो। आज बोलते हैं ना मोदी जी अपने परिवार को छोड़कर चले गए, लोग क्या कुतर्क करते हैं अपनी पत्नी को तो संभाल नहीं पाया, क्यों नहीं अपने बीवी से क्यों भागा होगा। आप बीवी के बारे में जानते हो क्या करना है, बीवी बताया, बीवी से कोई सवाल पूछता क्या बोलती है कि भाई मैं तो उनकी आज, वो तो आज पूजा उनकी कर रही है, छोड़ने की बात कहां से आ गई। ये मोदी जी जिम्मेदारी से भागे होंगे या डर गए होंगे। आज देखो राष्ट्र क्या जिम्मेदारी से भागे हो, आपको लगता है ये मोदी जैसा आदमी जिम्मेदारी से भागे? शादी करके शादी क्यों नहीं करी उस लेडी ने, ऐसी बात होती तो वो आज भी उन्हीं की पूजा करती है मंदिर में। ऐसे हमारे भारत में हजारों लोग हैं
जो अपने शादी जैसे 17-18-15 साल में शादियां करते थे, फिर बाद में कहते बेटा मैं विरक्त हूँ, बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, तो वो उनके चरण चूके उनको आज्ञा देके विदा करती है। ये पहाड़ी रास्ते हैं जहाँ पे कि गाड़ी मोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, पीछे पतली सड़कें, लेकिन इसी पे मुझे अपनी गाड़ी को मोड़ना है। और बिल्कुल पतली सड़कों पे एक तरफ खाई होता है और एक तरफ पहाड़ होता है, लेकिन इसी में हमें धीरे धीरे कैसे भी मैं मोड़ लूँगा अपनी गाड़ी को। बारिश भी स्टार्ट हो गई है और हम गरूर चट्टी से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और ये देखिए हमने गाड़ी मोड़ लिया और ये देखिए पहाड़ एक साइड और एक साइड पूरी खाई, लेकिन फिर भी यहाँ पे सड़क का काम चल रहा है, जो डेवलपमेंट का कार्य है वो लगातार चल रहा है। और ये काफ़ी अच्छा जगह है पहाड़ों के ऊपर, और ये जगह गरुड़ चट्टी से ये मुझे ज़्यादा ध्यान भी नहीं है, करीब करीब हम 30-40 किलोमीटर ऊपर आए हुए हैं पहाड़ पे। और ये निकले थे गरुड़ चट्टी होते हुए, कई गांव आए थे रास्ते में, तो एक्चुअली हम यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो उसी के लिए आए हुए हैं। और चढ़ते चढ़ते अब इसके ऊपर पहाड़ नहीं है और इस टॉप पे एक स्कूल बनाया जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं ये पत्थर जो तोड़ा जा रहा है, इसी पत्थर के बिल्डिंग्स मतलब स्कूल बन रहा है। और नीचे कितना गहरा खाई है, बाप रे, पहाड़ ये। और ये देखिए ये दूर दूर तक, अब मुझे लग रहा है कि दिन के लगभग 2 बज रहे हैं, लेकिन कोहरा धुंध छाने लगा है और हर तरफ एक वो लेयर जो है धुंध की, वो दूर दूर से अब ब्लू ब्लू दिखाई दे रही है, अब वो ब्लू ब्लू लेयर बन रखा जा रहा है। और ये सबसे टॉप पे देखिए मैं जहाँ खड़ा हूँ, अब इसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं है। और ये एक स्कूल बन रहा है यहाँ पे छोटा सा, ताकि ये जो बगल में गांव है, इस गांव के लोगों की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चल सके बच्चों की। और दूर दूर तक आप देखें उधर तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ नज़र आएगा, आसमान में ऐसा लग रहा है कि हम आसमान में आ गए हैं। लेकिन हम इस बात को बहुत ही हमें दाद देनी पड़ेगी कि सरकार का ध्यान काफ़ी ज़्यादा है डेवलपमेंट पे, सरकार का ध्यान है काफ़ी ज़्यादा विकास पे। और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए ये नीचे गांव है, कुछ घर हैं, और ये स्कूल की बिल्डिंग है जो कि पहाड़ के सबसे टॉप पे बनाया गया है, ताकि यहाँ के बच्चों का एजुकेशन हो सके, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो अच्छे पढ़ लिख करके कुछ बन सके, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। और यही एक खासियत है उत्तराखंड की कि पहाड़ी देखने में काफ़ी भयानक भयावह लगता है, लेकिन हर पहाड़ के ऊपर एक व्यवस्था बनाई गई है सरकार के द्वारा कि यहाँ पे आपको एजुकेशन भी मिले, बिजली भी मिले, पानी भी मिले, दूर दूर तक आपको छोटे छोटे गांव दिखेंगे हर पहाड़ों के ऊपर। और धीरे धीरे समय लगेगा लेकिन सब कुछ होगा। तो अरे भाई कहाँ चले गए अकेले हमें छोड़ के, हम तो ऐसे बैठे हैं बिल्डिंग। हाँ वही रख दो हमें, एक है ना ये आश्रम, ये तो पीछे घर है। हेलो तुम भी आ गए बच्चे, और वो भी आ गया, दोनों बच्चे लेने के लिए कहाँ जाएंगे, ये क्या होगा, पीछे गांव है, भिक्षा लेने के लिए कहाँ जाएंगे। हाँ भिक्षा की दिक्कत है, ये मेरे पैरों में मेरे में कम आया। पहाड़ तो स्वर्गीय है।
खेती बाड़ी ना। तो फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आओ, साधु बन के आओ, और साधु बन के आओ तो फिर जमीन की कहाँ जरूरत है? हाँ फिर जरूरत क्या, कहीं कहीं बना लो झोपड़ी कुटिया बना, कौन बना कर? हाँ इन पहाड़ों पे कहीं कुटिया बना लो एक छोटा सा, कौन रोकने वाला है? कार्य की प्रमुखता भूल कर हम उसमें चले जाते हैं, जो हमारा कार्य है उस कार्य पर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेस्ट हाउस रुको, गाँव वालों के यहाँ गेस्ट हाउस में रहना तो रह लो उतना तक ठीक है ये। हाँ ये तो बड़ी आउट है यहाँ पे, अब रहो ना आप, आओ गांव वाले किराए पे देंगे अच्छे से आपको, बहुत देते हैं यहाँ पे होम स्टे कर, आप आराम से महीने भर रह के जाओ, आप रोज़मर्रा में नहीं रह सकते, और जब आपको विरक्त पूरे हो जाते हैं तो चप्पल भी उतारने पड़ते हैं, आप उतर जाते हैं आपके तो जंगलों में चले जाते हैं, तो फकीरी होती है, ये सारी चीज़ें फकीरी हैं बाबा की। पांडवों ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा यहाँ पे जमीनें बिकेंगी, उसका ना कहीं जहाँ रहना रह लो ना, बाहर में कौन बेचता है, होता ना सही। खैर वो सड़कों वड़कों के जो वैली मिलती है ना, इधर जाना इधर जाना, हाँ इधर ही जाना, जिधर आप जा रहे हो सड़कें वगैरह होती तो सरकार कुछ भी लेती है सुविधाओं का। ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये? कंदमूल है, कंदमूल जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी कोई जड़ी बूटी है, बूटी है, बूटी है कंदमूल है, खाइए। अभी लक्की ने खाई कंदमूल, उल्टिया कर लिया बेटा। बांस बहुत होते हैं आप बम्बू, और पहाड़ है यहाँ पे तो सब कुछ हो जाएंगे जो लगा दो, यहाँ पे संजीवनी भी हो जाती है। हाँ हमारी गाड़ी आ गए, इसको घुमाएंगे फिर, घुमाएंगे धीरे धीरे यहीं पे, नीचे ले जाके, नीचे ले जाके घुमाएं नहीं यहीं पे घुमा लेंगे, यहाँ से इसको देखिए एज इट इज इधर लाइए, हाँ पूरा पूरा यहाँ लाइए, हाँ फिर बैक करूँगा, हाँ दो फुट इधर, दो फुट वही। अब हम काफ़ी देर चलने के बाद नीचे आ चुके हैं और यहाँ से अब वापस अपने आश्रम की तरफ चलते हैं। ये नदी है गंगा जी, बहुत धीरे धीरे यहाँ पे बह रही हैं, लेकिन अब यहाँ से निकलते हैं, शाम भी होने वाली है।